वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह आज भी आप मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं उज्जैन शहर का कार मार्केट का वीडियो, जहां पे आपको हमेशा बहुत सारी गाड़ी कलेक्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है। इस नंबर पर कॉल करके आप व्हाट्सअप की सारी सुविधा वगैरह ले सकते हैं। गाड़ी कलेक्शन आप देखते हैं, मेरे पीछे भी आप देखते हैं कलेक्शन, और इसके बाद में वो अंदर यार्ड में भी आप देखते हैं, बहुत सारा कलेक्शन है। इतना सारा कलेक्शन कि आप परेशान हो जाओगे इस गाड़ी जो है दिन भर आप समझने करने में। काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ी है, अच्छी से मतलब ये है कि आइए आइए गाड़ी को चेक करिए, मैकेनिक को दिखाइए, कंपनी को दिखाइए, जहां आपकी मर्जी हो वहां जाके आप दिखा के जिम्मेदारी से गाड़ी लीजिए। ऐसा नहीं कि आतिक भाई ने बोल दिया कि यहाँ पर गाड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी अच्छी ही होगी, होगी लेकिन आपकी जिम्मेदारी आप निभा के जाइए, गाड़ी को हमेशा चेक करके वगैरह करके ले जाइए। आज आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग गाड़ी। एक गाड़ी में आपको हैचबैक और सीडान गाड़ी दिखाएंगे, एक गाड़ी एक वीडियो में आपको जो है एक्सयूवी गाड़ी दिखाएंगे, जैसे महिंद्रा की केयूवी हो गई, क्रेटा हो गई, विटा ब्रेजा हो गई, इस तरह की गाड़ी आपको दिखाने वाले हैं। और एक गाड़ी में आपको एक्सयूवी जो बड़ी एक्सयूवी है, महिंद्रा की टीयूवी 300 बोलेरो और महिंद्रा की स्कॉर्पियो 500, वो गाड़ी दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और आपको बस क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, सारी डिटेल लेने के लिए व्हाट्सअप वगैरह की सुविधा भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, जो कि आपको मतलब अपनी सारी सच्चाई बताई थी और आपको बताया था कि अगर आप कहीं भी जाएँ किसी भी मार्केट में जहाँ की मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको बस ये क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लेना है और साथ में उनको बताना है कि हम जो है आतिक भाई के यूट्यूब चैनल से आए, रेबल ब्लॉग से, रेबल द बाइकर बॉय से, वहाँ से हम वीडियो देख के आए हैं और आपके पास में गाड़ी लेना है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें मुझे कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमाउंट मिलेगा, जो कि मेरे फाइनेंशियली कंडीशन को सपोर्ट करने में थोड़ा सा काम आएगा। जैसा कि मैं आपके लिए इतनी दूर वीडियो बनाने जाता हूँ हर जगह, तो मेरे लिए जो मेरी जो है फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं हर जगह इतनी दूर दूर जाके वीडियो बना पाऊँ आराम से। इसके लिए मुझे कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए आप लोगों की। हेल्प किस तरीके से चाहिए, आपसे आपकी जेब से एक रुपया नहीं लगने वाला है, आपकी जेब से एक रुपया खर्चा नहीं होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, बस आपको जहाँ भी जाना है मेरे YouTube चैनल का नाम लेना है और उनको बताना है कि आप मेरे YouTube चैनल का वीडियो देख के आए हैं, या आप मेरे को Instagram पे कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं, जहाँ पे आपको Instagram की जो मेरी आईडी है ये आपको देखने को मिल जाएगी, रेबल द बाइकर बॉय, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करके जाएं तो काफ़ी अच्छा आपको जो है उसमें डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, और साथ में जो है मुझे उस इनसे छोटा मोटा एक अमाउंट मिलेगा जो कि मेरे फाइनेंशियली हेल्प करेगा आपको इस तरीके की वीडियो दिखाने के लिए। मैं आपके लिए इतनी दूर दूर आता हूँ, उसमें बहुत सारा पैसा, टाइम और जो है मेहनत खर्ची होती है। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही सपोर्ट मांग रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लें, ताकि मुझे उससे कुछ ना कुछ अमाउंट मिले, मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए आप लोगों से। फिर आपको दिखाते हैं महिंद्रा की TUV 300 2018 मॉडल, आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी, प्रेस ऊपर लिखा हुआ है, प्रेस की गाड़ी थी, 18 मॉडल, डिमांड 7.5 लाख की इसकी डिमांड रखी गई, जो कि बैठक में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करवा देंगे। ड्यूल टोन में है, ऊपर ब्लैक है, नीचे रेड आपको देखने को मिलेगा। टायर की बात करें तो पीछे के टायर आपको 40% 50%, आगे के टायर आपको लगभग घिसे हुए देखने को इसमें मिल जाएंगे। किलोमीटर की बात करें 55-60 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। गाड़ी कंडीशन है कि रेड कलर में काफ़ी खूबसूरत गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, महिंद्रा की TUV 300 T4+ वाला वेरिएंट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये साइड प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसकी चाबी नहीं है, चाबी बंद है, तो ये इंटीरियर आपको ऊपर से मैं दिखाता हूँ, ऊपर से काफ़ी शानदार कंडीशन में आपको इंटीरियर भी इसमें देखने को मिल जाता है। 7 सीटर गाड़ी है और लगभग 55-60 के आसपास किलोमीटर है, जो कि आप यहाँ पे आके पता कर सकते हैं। फिर आपको दिखाते हैं महिंद्रा की TUV 300 एक और गाड़ी आपको दिखाते हैं, 2018 मॉडल थी, ये भी 2018 मॉडल, 7.5 लाख की डिमांड, ये भी 7.5 लाख की डिमांड ये भी, लेकिन मुझे ये जो गाड़ी है थोड़ा सा एसेसरीज की वजह से खूबसूरत लग रही है, और टायर भी इसमें बिल्कुल सारे इसमें नए देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको, और जो ऊपर से पूरी सजाई भी है काफ़ी खूबसूरत, ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। 4+ वेरिएंट आपको दोनों ही गाड़ी देखने को मिलेगा, और ये व्हील कवर इसमें काफ़ी खूबसूरत इसमें अलॉय व्हील जैसे फील इसमें थोड़ा सा आपको दे देंगे। टायर जो है बिल्कुल एकदम नए कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। 7.5 लाख की डिमांड, किलोमीटर की बात करें लगभग 60-62 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगी है, देखने को मिल रही है, खूबसूरत से मतलब ये है कि आइए चेक करिए, चेक करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से समझ के गाड़ी को ले जाइए। गाड़ी अभी हमेशा ही आपको साफ़ सुथरी और अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी जो है आपको अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है, गाड़ी को अपने हिसाब से चेक करके अपनी ज़िम्मेदारी पर ले आना है। ऐसा नहीं कि आतिक भाई ने बोल दिया है गाड़ी अच्छी कंडीशन में, तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में होगी, हो भी सकती है, लेकिन आपको अपनी ज़िम्मेदारी निभा के चेक करके ले जाना है। 2016 मॉडल TUV
300T8 वाला वेरिएंट है ना, सबसे टॉप वाला वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाएंगे। एक्सेसरीज वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत इसमें लगाई भी गई है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत गाड़ी इसमें आपको देखने मिल जाएगी। इसमें आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, MP12 है, लोकल MP की गाड़ी, फर्स्ट ओनर MP लोकल आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। किलोमीटर की बात करें 56,000 के आसपास का किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अंदर से निकल रहा है। अंदर से गाड़ी सीट कवर वगैरह खूबसूरत लगी हुई इसमें, और गाड़ी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। T8 वाला वेरिएंट आपको ये देखने को मिल जाएगा, 2016 मॉडल, डिमांड 6.5 लाख की इसकी डिमांड रखी, बैठक पर कम ज़्यादा करवा देंगे। कैसे कम ज़्यादा होगा, जब आप आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लेंगे तब जा आपको यह अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा। सारी गाड़ियाँ डीजल है, सारी गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर है, और आज आपको TUV 300 का भंडार और एक तरीके से शानदार कलेक्शन आपको दिखाने वाले हैं, अगर आप TUV 300 लवर हैं तो। तो आपको दिखाते हैं 2017 मॉडल महिंद्रा की TUV 300 T4 वाला वेरियंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। गाड़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है मुझे, साफ़ सुथरी। और टायर की बात करें तो टायर आपको इसमें जो है 80-90% के आसपास का टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है मुझे। प्रॉब्लम वगैरह है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, 62-65 के आसपास का किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हैं, चारों तरफ से आपको दिखा दिए। इंटीरियर में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इंटीरियर में ब्लैक कलर की सीट वगैरह लगी है, और अच्छा खासा इंटीरियर आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। 17 मॉडल 6.5 लाख की डिमांड में ये आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी, TUV 300 T4 वाला वेरियंट। दिखाते हैं महिंद्रा की TUV 300 एक और गाड़ी दिखाते हैं, 2016 मॉडल है। एसेसरीज वगैरह दिखा के, मतलब एसेसरीज वगैरह लगा के काफ़ी खूबसूरत ही गाड़ी देखने को मिल जाएगी। टायर की बात करें तो 40-50% का टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। डिमांड की बात करें 6.25 लाख की इसकी डिमांड रखी गई, जो कि बैठक में कम ज़्यादा हो जाएंगे। फॉगलिंग वगैरह इसके बाद में ये गाड़ी कंडीशन आप देखते हैं, साइड लेवल काफ़ी अच्छी लग रही है, अंदर से भी काफ़ी दिखाते हैं आपको। 2016 मॉडल इंटीरियर में आपको दिखाते हैं, और ये गाड़ी की डिमांड जो है 6,25,000 की डिमांड है। सीट वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत इसमें लगाई गई है। महिंद्रा TUV 300 T4 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी। आपको कैसा लगा और आपको यहाँ की गाड़ियाँ कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में अगर आपको गाड़ी लेना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको बताया वो जो फाइनेंशियली हेल्प आप मुझे करेंगे तो आपको आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए इस तरीके की कलेक्शन और भी दिखाते रहूंगा, नया नया कलेक्शन दिखाते रहूंगा आपको, घर बैठे सारी गाड़ियां दिखाते रहूंगा। पर आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सपोर्ट करना है। जहां भी जाना है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लेना है, या मुझे कॉन्टेक्ट करके जाना है इंस्टाग्राम पे। नाराजगी मेरी यही है कि आप लोगों ने अभी तक जो है कहीं भी मुझे फ़ोन नहीं करा है, कहीं भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करा है कि हम यहाँ पे गाड़ी गए देखने लेने गए या फिर ले ली है, कहीं भी आपने मुझे सपोर्ट नहीं करा है। तो इस बात की नाराजगी है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊंगा।